गोपाल दादाजी, गोपाल दादाजी, ओ गोपाल दादाजी, ये देखो मेरा वाला देखो। अई, तेरा वाला हटा दो। नहीं नहीं दादाजी, आपको मेरा वाला देखना पड़ेगा। इस बार की पूजा में ये वाली साड़ी बहुत चल रही है। कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी दिखाना दो ना थोड़ा। मेरे पूजा का नया कपड़ा तो दादाजी ने देखा ही नहीं। अरे बाबा, देखूंगा देखूंगा, सबका देखूंगा। तुम सब लोग मुझे कितना खुश होकर दिखाने के लिए आए हो। क्यों दादाजी, आपको सही में अच्छा लगा ना? मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा रे, लेकिन तुम सबके मुस्कुराते हुए चेहरों में मुझे एक चेहरा कम दिखाई दे रहा है। ओ, आप उल्टे की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है उसको शायद नया कपड़ा नहीं मिला है। अरे नहीं नहीं, महंगा कपड़ा नहीं खरीदा सोचकर शर्म के मारे यहाँ नहीं आ रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, छी 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 छी, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। और ये भला कैसी बात? वो देखिए देखिए, गुल्टे भैया भी आ गए और हाथ में एक प्लास्टिक बैग भी है। इसका मतलब नया कपड़ा है। मजा आएगा, मजा आएगा। चल चल गुल्टे, दिखा तेरे कपड़े, दिखा दिखा जल्दी। ये क्या हुआ, ये तो फटा हुआ कपड़ा है। आखिर ये क्या हो गया, नया कपड़ा लेकिन फटा हुआ? नहीं नहीं, कुछ मामला अजीब सा लग रहा है मुझे। हाँ। अरे आइए आइए आइए, आज आइए, आज से मेरे यहाँ मिलेगा आपके पसंद का कपड़ा। कहिए ना कहिए, क्या चाहिए आपको कहिए। ओ बाबा, इस साल तो इस दुकान से काफी अच्छी खरीदारी हो रही है। अरे बाबा, यूं ही क्या बनिए दोनादन दान के साढ़ू की दुकान जो ठहरी, तभी इतनी भीड़। अरे नहीं नहीं, सब लोग कह रहे हैं कि दुकान में चीजें काफी सस्ती हैं। हाँ। चले आइए, पानी के दाम में पाइए मिनरल पानी। कौन सा लेंगे, बहुत सस्ता मिल रहा है। चल 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 चल, भीड़ बढ़ने से पहले ही हम लोग खरीद लेते हैं। चल चल चल। क्यों रे गुल्टे, ऐसे गुमसुम ना रहकर झट से बोल डाल, क्या हुआ? ये किस दुकान का कपड़ा है? अरे बाजार के उस बड़े दुकान का, उसी दुकानदार ने मुझे ठगा है। अच्छा अच्छा, वो तो उस बनिए की दुकान है। सुना है वहाँ बड़े सस्ते में चीजें मिलती हैं। है? हाँ, लेकिन घर पर आकर नया कपड़ा खोलकर देखता हूँ कि वो फटा हुआ है। हे भगवान, ये भला क्या बात हुई, नया कपड़ा फटा हुआ? नहीं 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 नहीं, तू अभी की अभी जा और उस दुकानदार को कपड़े वापस करके आ, समझा? दुकानदार क्या कपड़ा बदल देगा? ओहो, क्या मुसीबत है, बिना दुकान पे जाए कैसे पता करेगा तू? हाँ, जा जा जा, जल्द जल्दी से वापस दे कर आ उसे। कपड़े का रंग एकदम असली है, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसका नाप भी एकदम ठीक ठाक है। पूरा कृष्ण नगर ढूंढेंगे तो भी ये चीज कहीं नहीं मिलेगी आपको भैया। ये सब बाहर से मंगवाया है हमने, फॉरेन माल है फॉरेन। वो आप चाहे कहीं से भी मंगवाएं, लेकिन ये क्या फटा हुआ कपड़ा? क्या फटा हुआ, कहाँ फटा हुआ है? दिखाओ 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 तो। सारे बच्चे पूजा के लिए कपड़े खरीद कर कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं ना? सब कुछ ठीक है, सिर्फ बेचारा गुल्टे का मन बहुत खराब है, समझ गई भगवान? सच में वो दुकानदार भी बेचने बैठा है, लेकिन वो भी फटा हुआ कपड़ा, बेचारे का नया कपड़ा। भला दुकान में क्या हुआ होगा किसे पता। आ गया, क्या हुआ रे गुल्टे, बात क्या है? हा? दिया 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 क्या, बदल के दिया क्या? बदल कर देगा, अरे दुकानदार ने तो लेकर भी नहीं देखा। इसका मतलब? इसका मतलब कि दुकानदार मानने के लिए ही तैयार नहीं कि नया कपड़ा ऐसे फटा हुआ था। ये 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 देखो, ये देखो इधर। अच्छा फटा हुआ है, कहने से हो गया ना, कहने से हो गया, तुम जो भी कहोगे मान लेंगे क्या? इसका मतलब आप ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से कोई कपड़ा उठा कर ले आया और कहते हैं कि इस दुकान के कपड़े फटे हुए हैं। मैंने तो यहीं से कपड़ा खरीदा है। तू चुप रह, चूहा कहीं का। और आप, आप यहाँ फालतू की बकवास ना करके आप घर जाइए, वरना। उल्टा उस दुकानदार ने हम लोगों को अपमान करके दुकान से भगा दिया। हे भगवान, देखो क्या अजीब बात है। ओहो, इस बार लगता है मैं मामला पूरी तरह समझ गया हूँ। हाँ, जैसे एक काफी नहीं था, साथ में एक और को ले लिया। इन सब में भला राम सुग्रीव कहाँ से आ गए बताइए? समझोगी समझोगी भगवान, वक्त आने पर सब समझ जाओगी। अभी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बस हम लोगों को अभी की अभी निकलना होगा। तभी तो मैं सोचूं कैसे कपड़े इतने सस्ते दाम में दे रहा है।
इधर आइए, इधर आइए, आइए, कहिए ना क्या चाहिए, कहिए। मुझे एक या दो नहीं समझे, मुझे 100 कपड़े चाहिए होंगे। 100 कपड़े? क्यों भाई, कम बोल दिया क्या मैंने? कम नहीं, नहीं नहीं नहीं, इतने कपड़े तो मेरे पास अभी नहीं है। ओ अच्छा, नहीं है तो फिर कपड़े लाने का इंतजाम करो। इस बार लगता है एक बड़ा दाव खेल सकता हूँ। हाँ, वो मैं मंगवा दूंगा। हाँ लेकिन लेकिन क्या? 100 मिलाकर 25 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगे। अरे सुनो, सामान मिलते ही मैं तुम्हें हाथों हाथ पैसे दे दूंगा। हाँ? धत तेरे की, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। बताओ बताओ, तुम क्या समझ नहीं पा रही हो? अरे जिस दुकानदार ने गुलटे को ठगा है, आप उसी के दुकान से इतने सारे कपड़े खरीदने क्यों आए? और इतने पैसे भला आपको कहाँ मिलेंगे? अरे भगवान, इतने सारे सवालों का जवाब जाने बिना सिर्फ एक बात जान लो, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, समझ गई? गोपाल को तो मैंने कह दिया था, लेकिन 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 क्या? इतना सारा सामान अब मैं कहाँ से लाऊं, बोलो। मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लूंगा, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। और गोपाल को टोपी पहनाने का यही मौका है। क्या, गोपाल को टोपी पहनाओगे? हाँ हाँ हाँ, टोपी, और कोई ऐसी वैसी टोपी नहीं, एकदम हनुमान टोपी। अरे गुलटे, मायूस मत हो। हाँ हाँ गोपाल दादाजी, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, इस दुकानदार को अच्छा सबक सिखाएंगे। नहीं नहीं, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, मामला बहुत गड़बड़ वाला है। गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं बच्चों, रास्ता बिल्कुल सीधा है। अरे गोपाल दादाजी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? तुम लोगों के दादाजी का दिमाग खराब हो गया है, उस दुकान में जाकर भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल आए। नहीं नहीं, हमारे दादाजी का दिमाग खराब हो ही नहीं सकता। ये देखो, तुम लोगों ने जिस तरह मुझ पे भरोसा किया है ना, मैं भी उसी तरह तुम लोगों पे भरोसा करके एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। कैसी जिम्मेदारी? तो फिर सुनो, दुकानदार के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सावधानी से, उसे पता नहीं लगना चाहिए बच्चों। हैं क्या रे, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वही लाया है ना? एकदम चुन चुन कर भर के लाया हूँ। मैं कह रहा था बाहर से कोई पकड़ नहीं पाएगा ना। आई, वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे मुझे भी क्या कुछ समझ आ रहा है क्या? अब आपस में बकबक ना करके चुपचाप ध्यान से सुनो कि क्या बोल रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होगी पकड़ने की। बस 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 बस, तो फिर पूजा के समय सारा माल बेच डालूंगा। गोपाल तो है ही, और उनका बिल्कुल तैयार है। हाँ, वो कहने की जरूरत है। अरे अरे, आपका दिमाग क्या सचमुच खराब हो गया है? अरे क्यों 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 क्यों, मेरा दिमाग भला क्यों खराब होगा? तो क्या आपने सारे पैसे जमा कर लिए हैं, और उसके साथ वो सब क्या है? क्या, कौन सा? वो इतने सारे ब्रश, और क्या है उस थैले में? अरे तुम भूल भी गई क्या, सीधी उंगली से क्या कहा था मैंने? नहीं 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 नहीं, समझ गई, बहुत अच्छी तरह समझ गई, और समझाने की जरूरत नहीं है। अरे चल चल, गोपाल दादाजी को अभी के अभी जाकर खबर देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी चलो। अरे खबर आखिर है क्या, वही तो समझ नहीं आया। वो तो जे समझने की जरूरत नहीं है, वो गोपाल दादाजी सही सही समझ जाएंगे। भला अब ये कौन सी मुसीबत है? अरे दरवाजा खोलोगे कि नहीं? खोलूंगा, वक्त होने पर सही में खोल दूंगा। भगवान मुझे इस खतरे से बचाइए। ओह, इस बुड्ढे को लेकर आखिर मैं क्या करूँ? गोपाल दादाजी, सुनो, तुम्हारे दादाजी बहुत पहले कमरे में घुस गए हैं, और अंदर वो क्या करे है किसे पता। बोलो बच्चों, तुम लोग क्या खबर लेकर आए हो, बताओ। अरे बैलगाड़ी से माल आया है। अच्छे से समझ नहीं पाए, पर वो दुकानदार कुछ कह रहा था, पूजा के वक्त कह रहा था सब बेच देंगे। हाँ हाँ, वो बनिया भी कह रहे थे कि सब कुछ तैयार है। वो
वो तो तैयारी है बच्चों, एक बार सिर्फ वो सामान मेरे हाथ लगना चाहिए। गोपाल भैया, अरे गोपाल भैया, देखिए सामान आता ही मैंने आपके घर तक पहुंचा दिया। ईमानदारी को लेकर कोई संदेह नहीं होगी। सच में इतनी सुविधा भला कितने लोग देते हैं कहो है? लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता गोपाल भैया। हाँ, बिल्कुल, आप कितने व्यस्त इंसान है, कितना काम है आपको। बहुत काम है, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। अभी लीजिए, अभी देता हूँ। ये देखिए, ये लीजिए, देख लीजिए, एक दो, ये हो गए तीन चार। ये हो गए पूरे 25। ठीक है। अरे, हाथ से फिसल कर गिर गया। सोना चाहे भीगा हो या सूखा। तो जब गिर गया तो फिर अब क्या करोगे? पैसों की पोटली को आपने पानी में गिरा दिया। ओ, एक भी काम क्या आप सही तरीके से नहीं कर सकते हैं? बताइए। ये देखो सामान देकर एकदम हाथों हाथ पैसे लेकर आया हूँ। ये हुआ ना मेरा साड़ू भाई। लेकिन जो भी कहो, गोपाल के दिमाग में बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। चलो बकवास ना करके पैसों की थैली से स्वर्ण मुद्राओं को बाहर निकालो अब। हाँ, उसने गिन कर दिया है, ये देखो। क्या ये क्या है? अरे सही में सोना कहाँ गया? सारे तांबे के सिक्के निकले। क्यों, कुछ समझ आया? कुछ समझना बाकी है क्या? गोपाल ने ठग दिया। लेकिन अरे लेकिन करके बिना वक्त बर्बाद किए चलो, ये महाराज को बताना पड़ेगा वरना गोपाल के पास से पैसे नहीं निकल पाएंगे। हाँ, तुम्हारी किसी के नाम पर एक शिकायत है। हाँ महाराज, सच कह रहा हूँ, माँ कसम, गोपाल ने मुझे बहुत ठगा है। क्या, गोपाल ने ठगा है? ये क्या, गोपाल गलत कर ही नहीं सकता है। आप चुप रहिए वैज्ञानिक। हाँ कहो, तुम क्या कह रहे थे? महाराज, स्वर्ण मुद्रा देने का बहाना करके उसने मुझे तांबे के पैसे दे दिए, यकीन कीजिए। ये क्या बात है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता है। ए सुनो पहरेदार, जाओ अभी के अभी जाओ और गोपाल को यहाँ पकड़ कर लाओ। उसकी भला क्या जरूरत है महाराज, मैं खुद ही आ गया हूँ यहाँ पे। अब ये गोपाल ठग को अच्छा सबक सिखाया जाएगा। बात क्या है गोपाल, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? देखिए, जो भी आपने सुना है ना महाराज, वो आपने बिल्कुल सच सुना है। हाँ, लेकिन मैं इस मामले में भला क्या कर सकता हूँ? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि ये दुकानदार नए कपड़े पैकेट में डालता है, लेकिन बाहर निकालते वक्त पता चलता है कि कपड़े फटे हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही मैंने भी सोने की अशरफियाँ पोटली में डाली थी, लेकिन बाहर निकालते वक्त वो तांबे की बन गई महाराज। अब बताइए, क्या नया कहकर फटे कपड़े बेचता है ये दुकानदार? मर गए, इस टकले ने तो सबके सामने हमारी पोल खोल दी। महाराज के सामने शर्माना कैसा, खुद अपने मुंह से ही कह दो। अब कह दो, कहो। हाँ मतलब नहीं, असल में ये सब क्या हो रहा है ये सब है? नहीं महाराज, इस बनिए ने मुझे उस थोक बेचने वाले आदमी से मिलवाया था जो फटे हुए कपड़े बिल्कुल नए कपड़ों की तरह लपेट कर कम पैसे लेता है, और उसी वजह से गुलटे और उसके जैसे बच्चे पूजा के समय फटे हुए कपड़े पहन कर घूमते हैं। ये तो भयानक अपराध है। और तुम बनिए, तुम असल में मुजरिम तुम हो। यार तू खुद भी डूबा और मुझे भी डुबाया। नहीं, ना ही गुरु और ना ही शिष्य, मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, चाहे जो कुछ भी हो, तुम दोनों को सजा मिलेगी। हाँ, सिर्फ गुलटे नहीं बल्कि उसके जैसे और 100 बच्चों को बिना मूल्य कपड़े देने होंगे दुकानदार। और तुम बनिए, तुम खुद वो सारे कपड़े उनके घर जाकर दोगे, समझे? क्या इतने सारे बच्चे कहाँ मिलेंगे महाराज? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। और गोपाल, उन सोने के अशरफियों को तांबों का कैसे बना डाला तुमने? मतलब खास कोई रासायनिक का प्रयोग?
या कोई मंत्र? मैं हूँ एक सहज इंसान और सहज काम ही करता हूँ। तांबे के पैसों पर सोने का रंग चढ़ाकर मैंने दुकानदार को दिखाया था, पर देने से पहले उसे पानी में भी डाल दिया था ताकि वो रंग फिर से धुल जाए महाराज। वाह, हाँ सच में गोपाल, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं है। इस बार मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। ये लो 10 स्वर्ण मुद्राएं, समझे? ये लो, ठीक है ना? लेकिन महाराज, अरे डरो मत, ये सब असली है। और ये लो, ये तुम्हारे वाले जैसे रंग चढ़े हुए नहीं है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.